अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे उस्ताद इकराम, कैसे हैं जी आप सब भाई? उम्मीद है कि खैर वाकई से होंगे। आपका भाई मूसा ना जी आज आपकी खिदमत में हाजिर है 28 बच्चे लेकर, जिनमें एक बच्चा लाल आंक है और 27 बच्चे टैडी होंगे। ये फर्स्ट में जो बच्चा खड़ा है जनाब, ये बच्चा लाल आंक है, ठीक है जी? ये बच्चा लाल आंक है, इसके साथ जो परिंदा बैठा हुआ है वो टैडी है। इसमें एक पर से लेकर 3-4 पर तक के बच्चे हैं। ये अब आप शौक करें, देखें आपकी खिदमत में हाजिर है आपका भाई मूसा नाजी, जो आज आपको शौक करवा रहे हैं टैडी बच्चों का। बस बस प्लीज़, उछलना कूदना नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ आप लोगों ने वीडियो बनवानी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि अभी भी दूर, काफ़ी दूर से बना रहे हैं ताकि ये आपको शौक करवा सकें। हम अच्छे परिंदों का, अच्छे बच्चों का, 28 बच्चों का शौक करवा रहा हूँ आपको मैं टैडी बच्चे, जिनमें एक बच्चा लाल आंक का, जो मेरी वीडियो प्ले करते सार ही सबसे पहले आपको फोकस कर दिया गया, दिखा दिया गया मेरी जान मैंने। बच्चों का आप शो करें, बहुत ही अच्छे बच्चे और आउट क्लास बच्चे। बस अब वो तंग हो रहे हैं, तो कोशिश मेरी यही है मैं थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाऊँ ताकि ये खुल कर आपको ना नुमाया आ सकें, ये बर्ड्स बिल्कुल खुल डुल के ज़रा ना अपना आप बता सकें कि हम क्या चीज़ें क्या हैं। मौका नहीं देते अपने पास जाने का, बड़े चलाक हैं। अरे इधर आ जाए जालम। ये देखें जी, आप अकेले अकेले हुए हैं। ये जनाब, ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती है कि मेरे वीडियो के दौरान जो मेरे परिंदे ऊपर चिपक रहे होते हैं ना, मुझे उसका बड़ा अफसोस होता है कि यार वीडियो के दौरान ये चिपकने नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे एक फ्लैक्स लगाने के मूड में हूँ, तो आपके क्या राय है, लगा लें फ्लैक्स कमेंट में नीचे बताएं। तो फ्लैक्स लगाएं तो किस कलर की पीछे लगाएं, क्या ये ईंट के कलर की ही फ्लैक्स लगा दें ताकि जो परिंदे का ओरिजिनल कलर है वो आपको बिल्कुल नुमाया हो सके। तो बताइएगा ज़रूर पीछे। अब हम फ्लैक्स लगाना चाह रहा हूँ इस केज में, ये मेरा काफ़ी बड़ा केज है, समझ लें कि कमरे के मुताबिक ही ये केज बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये ऊपर मैंने ये लगाई हुई है, ये ऐसे ही वो देख रहे हैं चिपक रहे हैं, इसी जगह पर छोड़ देते हैं। तकरीबन 50-60 परिंदा भी हो, बड़े आसानी से उसकी वीडियो बन जाती है। तो अब मेरा माइंड बना हुआ है कि इस केज में ना फ्लैक्स वगैरह लगा दें ताकि परिंदे दीवार के साथ चिपक नहीं सकेंगे और नीचे स्लिप होकर फटी पर बैठ जाएंगे। बात सेम बनानी पड़ती है बड़े ज़्यादा परिंदों की भी वीडियो। मेरी अपने भाई को इजाज़त दें, बातों बातों में वीडियो 4 मिनट की हो गई है, तो इंशाल्लाह जो है वो अब आपके साथ परिंदों की बातचीत शौक होता रहेगा, वो भी एक शर्त पे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और वीडियो शेयर करें। बिजन मूसा नाजी, नाजी के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल मौजूद है, ठीक है? तो ये मेरे उन दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद परिंदे हम आपको दिखा सकें। तो ये आप यूँ के तावन के साथ ही ये सारे मामलात हैं, यूट्यूब पे शौक होता रहता है, देखते रहते हैं हम लोग बर्ड्स। ये आपका प्यार है जनाब, दुआओं में याद रखेगा। बस वो आपको मौका नहीं दे रहे, तो इंशाल्लाह फिर गपशप होती है नए परिंदों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।